कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई को लेकर लखनऊ में सड़क पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर से हजरतगंज की गांधी प्रतिमा तक मार्च निकाला और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे जाने से रोकने के लिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर बसों से जेल भेज दिया। अजय कुमार लल्लू की रिहाई की मांग के साथ ही कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है। आपको बता दें कि लखनऊ पुलिस ने लल्लू को प्रवासियों के लिए मुहैया कराई गई बस विवाद के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। उन पर बसों के कागजों में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी पर सियासी गदर मचा हुआ है। लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और एक बार फिर से यहां पर राज्य सरकार पर जुबानी हमला किया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार को किसान और युवा विरोधी सरकार बताया। हम लोगों ने आज भी प्रदर्शन किया है। आज हम लोगों ने बहुत शांति से मौन रख करके एक विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में दमनकारी नीति के खिलाफ, किसान विरोधी नीति के खिलाफ, नौजवान विरोधी नीति के खिलाफ, श्रमिकों के विरोध में जो इन्होंने काम किया है लापरवाही के कारण, उन सब के कारण हम लोग मजबूती से लड़ाई को लड़ते रहेंगे। भले ही हमारे अध्यक्ष जी को ये जेल में भेज दें, पर हम दमनकारी नीति से डरने वाले नहीं हैं।